जय हिंद, मैं अदिति दास, INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज हम सुपर फास्ट टॉप 9 न्यूज़ के साथ। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अपराधियों को हथकड़ी लगाने या न लगाने पर बहस छिड़ गई। एक और ये सवाल है कि पुलिस ने दुबे को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई थी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के वो निर्देश है जिसमें उसने हथकड़ी लगाने को अमानवीय, गैर जरूरी और कठोर तरीका करार दिया। वहीं पुलिस अपराधियों को हथकड़ी लगाने के समर्थन में दलील देती आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एम्स में पत्रकार खुदकुशी मामले में 4 सदस्य जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी को पत्रकार द्वारा की गई आत्महत्या की मंशा और कुछ अन्य संदिग्ध होने की जानकारी नहीं मिली। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि उनके कोरोना उपचार प्रोटोकॉल में भी कोई कमी नहीं पाई गई है। लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में असफल होने के बाद चीन ने घुटने टेक दिए। विवादित स्थानों से चीन पूरी तरह से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए राजी हो गया। LAC पर भारतीय सीमा में घुसकर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन को भारत ने करारा जवाब दिया। चीन को जब अपना दाव उल्टा पड़ता दिखा तो उसने शांति का रंग हला दिया है। कानपुर में विकास दुबे का पोस्टमार्टम होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए भैरव घाट पहुंचा। घाट पर बहनों निदेश तिवारी, पत्नी ऋचा दुबे और बेटा भी पहुंचा। घाट पर पत्नी ऋचा मीडिया कर्मियों पर भड़क गई और बोली, जिसने जैसा सलूक किया है उसका वैसा सबक सिखाऊंगी, जरूरत पड़ने पर गोली भी चलाऊंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने अमेरिका समकक्ष मार्क टी एस्पर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान पूर्वी लद्दाख में भारत तथा चीन के बीच सीमा विवाद एवं क्षेत्र में समूचे सुरक्षा परिदृश्य पर प्रमुखता से चर्चा हुई। विकास दुबे एनकाउंटर घायल में पुलिस कर्मियों ने सुनाई आप बीती। बोले, समझाने के बाद भी विकास ने हथियार नहीं डाला, उसे सरेंडर करने का मौका दिया लेकिन उसने हम पर फायरिंग कर दी। हमारे 2 साथी गोली लगने से घायल हो गए। जब लगा कि वो सरेंडर नहीं करेगा तब जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। ये कहना है एनकाउंटर करने वाली टीम के घायल सदस्यों का। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीकी का अधिक इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके तहत कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब अदालत समन और नोटिस जारी करने के लिए ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेज ऐप का इस्तेमाल करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आधिकारिक आवास वर्ष पर उनसे शुक्रवार को मुलाकात की। सूत्रों ने ये जानकारी दी। पवार और शिवसेना प्रमुख ठाकरे के बीच 4 दिनों से ये दूसरी मुलाकात थी। दोनों पार्टियों के बीच तनाव पैदा होने की खबरों के बीच आज उनके करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। बता दें कि राज्य में शिवसेना, NCP और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स Subscribe to our channel INN today and press the bell icon.